अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माई चैनल। भाई, सुपर एट मराहिल के जो मैचेस हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट मैच था आपका साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएसए के माबेन। लग रहा था कि भाई यूएसए कुछ करेगा या एक अच्छी फाइट देगा, और दी यूएसए ने। एक वक्त पे लग रहा था कि भाई यूएसए की टीम मैच ले जाएगी, बिकॉज़ जो परफॉर्मेंस दे दी थी आपके एंड्रिस गोस ने, तो मुझे तो लग रहा था भाई ये बंदा मैच फिनिश कर देगा। बट लेटर ऑन जो अच्छी बॉलिंग की है, वही बात है कि इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस एंड इट्स ऑल अबाउट होल्डिंग योर नर्व्स एट प्रेशर सिचुएशन। एंड वो आपके जो साउथ अफ्रीका की टीम है उसने किया। लास्ट जो उसने अपना ग्रुप मैच खेला उसमें भी हमने ये देखा कि कोई कौन सी टीम थी, आई डोंट नो नेपाल की थी कौन सी, उसके अगेंस्ट भी उन्होंने अपने नर्व्स को कंट्रोल किया एंड इन द एंड ऑफ द डे दे वर द विक्टोरियस। एंड अभी भी उन्होंने जस्ट अपने नर्व्स को कंट्रोल किया एंड बेसिक पे स्टिक रहे एंड दे आर द विक्टोरियस टुडे। वो चीज़ हम नहीं कर सके थे एज प्लेयर, एज टीम, कि भाई हमने अपने नर्व्स को होल्ड नहीं किया और कंट्रोल नहीं किया उनको, और हमने प्रेशर ले लिया और उस प्रेशर की वजह से वी हैव लॉस्ट अगेंस्ट यूएसए। और काफ़ी ज़्यादा मतलब वही है कि हम अपनी गलतियों की वजह से हारे थे। बट अगर इस मैच की बात करें तो भाई ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस ये थी। ऑल्सो टॉस आपके यूएसए के कैप्टन ने जीता था, बट उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया और साउथ अफ्रीका की टीम ने क्या ज़बरदस्त स्टार्ट किया है। क्विंटन डी कॉक वॉज ऑन फायर भाई। इस उम्र में भी ये बंदा क्या ट्रिमेंडस एफर्ट देता है, क्या ज़बरदस्त उसका वर्ल्ड कप गया है, ऑडीआई के वर्ल्ड कप, और अभी इस वर्ल्ड कप में भी वो तबाही मचा रहा है लिटरली। और इसके बाद वैसे भी खैर ऑस्ट्रेलिया सॉरी साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो ज़बरदस्त है। दे हैव रीजा हैंड्रिक्स, दे हैव हैंड्रिक क्लासिन, दे हैव मिलर द किलर, एंड क्विंटन डी कॉक जैसे आपके जो प्लेयर हैं वो आपको ओपन करते हैं। टीम तो खैर ज़बरदस्त है ही, उसके साथ बॉलिंग में रबाडा, नोकिया, नॉर्थेजे वगैरह सब हैं, तो ज़बरदस्त है भाई, ज़बरदस्त। एंड केशव महाराज बहुत ही आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं। तो 194/4 उनका फिगर रहा, या जो टारगेट है 195 का टारगेट मिला यूएसए की टीम को। एंड उन्होंने भी स्टार्ट अच्छा लिया, ऑल्सो उनकी विकेट गिर गई थी जल्दी, कुछ तीसरे चौथे ओवर में विकेट गिर गई थी, बट जो उन्होंने स्टार्ट किया था दैट वाज माइंड ब्लोइंग। एंड विकेट गिरने के बाद पे भी वो रुके नहीं, वो डिफेंसिव अप्रोच उन्होंने नहीं अपनाई, दे वर ट्राइंग टू हिट द बॉल हार्ड एंड वो रन क्विक रन करने की कोशिश कर रहे थे। एंड दिस वॉज द रीज़न कि एक वक्त पे लग रहा था कि भाई वो मैच जीत जाएंगे। बट एज साइड लेटर ऑन अच्छी बॉलिंग की गई साउथ अफ्रीका की तरफ से एंड इन द एंड 18 रन शॉर्ट हो गए यूएसए की टीम। बट द फाइट बैक दे पुट वॉज ब्रिलियंट, वॉज रिमार्केबल, एंड लिटरली एक वक्त पे लग रहा था कि भाई बंदा मैच ले जाएगा। एंड अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया गया भाई रबाडा की तरफ से। केशव महाराज ने अच्छी बॉलिंग की है, नॉर्थेजे ने अच्छी बॉलिंग की है फॉर साउथ अफ्रीका। एंड अगर हम आपकी यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, अगेन आपके फुल टाइम इंजीनियर एंड पार्ट टाइम क्रिकेटर जो इंग्लैंड सॉरी इंडिया से बिलोंग करते हैं, सौरभ नटरावलकर, उन्होंने बहुत ही ट्रिमेंडस बॉलिंग की है, बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग की है इन दिस हाई स्कोरिंग मैच, ट्रिमेंडस उनकी बॉलिंग हुई। और हरमीत सिंह ने भी अच्छी बॉलिंग की है, उन्होंने भी इकोनॉमिकल बॉलिंग की है, 4 ओवर्स में 24 रन, लेकिन उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया है एंड दैट वाज इट। यह है कि क्योंकि जस्ट 4 विकेट ही गिर सकी थी आपकी साउथ अफ्रीका की टीम की, एंड बहुत ज़बरदस्त कैर परफॉर्मेंस आई है यूएसए की टीम की जाविन से भी। एंड साउथ अफ्रीका की टीम ने भी अपनी फतह से आगाज़ कर दिया है सुपर 8 मरहले का। अभी राइट नाउ कुछ आपका इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का मैच है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो तो जस्ट अभी अभी ही स्टार्ट हुआ है। इंग्लैंड टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है, सो लेट्स सी क्या होता है भाई। वेस्ट इंडीज़ तो ट्रेमेंडस जा रही है भाई, ज़बरदस्त जा रही है, माइंड ब्लोइंग जा रही है, आउटस्टैंडिंग जा रही है। एंड इंग्लैंड जो हमारी तरह मरते मरते पहुंचा है सुपर 8 में, तो ये कॉन्टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। खैर जो भी इसका रिजल्ट आएगा उस हवाले से कल बात करेंगे इंशाल्लाह वीडियोज़ में। टिल देन स्टे ट्यून विद मी एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।